हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और लेकर के आया हूँ गाइस। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो मैंने आपको थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम रेडमी, क्योंकि मैं सारे सीरीज़ का मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस, तो ऐसे ही मैं सारे सीरीज़ ओवरऑल यहाँ पे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल जो आज का हमारा कंटेंट है गाइस वो है रेडमी 9 के ऊपर है, रेडमी 9 का टच और रेडमी 9 का डिस्प्ले लाइट। तो गाइस रेडमी 9 का टच और रेडमी 9 का लाइट को हम एंडलेस सोल्यूशन बताने वाले हैं गाइस। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप एंडलेस सोल्यूशन पा सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप एंडलेस सोल्यूशन मिलेगा आपको, टच सोल्यूशन और यहाँ पे आपको मिलेगा इसकी लाइट सेक्शन। तो चलिए मैं वीडियो को देर न करते फटाफट स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट इन तक आप जरूर देखिएगा गाइस। तो ये देख सकते हैं रेडमी 9 डिस्प्ले लाइट एंड टच सोल्यूशन गाइस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टच को आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये बहुत शॉर्ट में समझाने का एक तरीका है गाइस। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अगर हम टच की बात करें तो टच में गाइस आपको क्या क्या चीज चेंज करनी है, यहाँ पे 2 नंबर की पिन, 3 नंबर की पिन, 4 नंबर की पिन, 5 नंबर की पिन, 6 नंबर की पिन और 7 नंबर की पिन। इसमें आपको सारे में GR आना चाहिए गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 610 और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कम समय में आपको इन इन पिनों पे आपको मैं टच का भी सोल्यूशन दे रहा हूँ, फिर आपको लाइट के बारे में समझाऊंगा इसकी सारी। तो यहाँ पे आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे आपको मैंने विथ प्रैक्टिकल GR के साथ यहाँ पे नोट कराया, 640, 826, 610, 610, 610, ये हमारी होती है रिसेट की लाइन। यहाँ पे हमारा 640 GR आना चाहिए, ये हमारा इंटरप्टेड की लाइन है, ये CLK की लाइन है, ये मीसो की लाइन है, ये मोसी की लाइन है, CS की लाइन है। ये सारी लाइनों पर आपको ये जो लाइनें आती हैं CPU से आती है गाइस, ये जो हमारा टच को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली 7 पिन पे हमारा रीडिंग आना चाहिए, इनके बीच में क्या कैसा कॉम्पोनेंट लगा है ये मैं सारा आपको दिखाने वाला हूँ। और हमारा एक VIO वोल्टेज होना चाहिए जो कि 1.8 और रीडिंग आनी चाहिए 420 और ये होगा 37 नंबर की पिन जो कि यहाँ पे लगा रहता है गाइस। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे लाइट सेक्शन है, तो मैं लाइट को इसके बाद करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम टच को क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बोर्ड के थ्रू समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है गाइस। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन पिनों पे आपको GR आना चाहिए, प्रैक्टिकल GR मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है और ये लाइनें आती हैं आपकी CPU से गाइज। अब इनमें क्या क्या लगा हुआ है इनके बीच में कॉम्पोनेंट वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट हम आते हैं गाइज और यहाँ पे 2 नंबर की पिन को चेक करते हैं, जो कि 2 नंबर की पिन है हमारी यहाँ पे इंटरप्टेड की लाइन है, INT की लाइन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्टेड की लाइन, वहाँ पे एक हमारा कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, और उसके बाद ये हाई वैल्यू का लगा हुआ है 100K का रजिस्टर है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100K का रजिस्टर है और यहाँ पे आपका सीधे जाएंगे और हमारी इंटरप्टेड की लाइन में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइज। ये देख सकते हैं आप हमारी इंटरप्टेड की लाइन, INT की लाइन और ये कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है, सीधा और सीधा ये आपका CPU में जा रहा है गाइज, ये आप देख सकते हैं ये आपका सीधा सीधा CPU में जा रहा है। चलिए अब दूसरी लाइन की अगर हम बात करते हैं, तीसरी लाइन की, तो ये हमारी जो लाइन है वो लाइन है गाइज, ये हमारी इंटरप्टेड और ये हमारी जो दूसरी लाइन थी वो रिसेट की लाइन थी गाइज, ये हमारी RST दिखाई दे रहा है, ये रिसेट की लाइन थी, हमने इंटरप्टेड की लाइन में ट्रेस कर लिया, उसके बाद कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगाया। तो अगर हम रिसेट की लाइन में बात करें तो यहाँ भी आपको एक रजिस्टर लगा हुआ है, हाई वैल्यू का रजिस्टर है जो कि पैलर में लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे और हम सीधे देखेंगे तो दोनों ही लाइनों को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जूम आउट करते हैं गाइस और यहाँ पे देखते हैं कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगाया और ये सीधा सीधा CPU में जा रहा है गाइस। चलिए अब यहाँ पे चौथी नंबर की पिन हम देखते हैं, चौथी नंबर की पिन जो हमारी है गाइस, ये हमारी चौथी नंबर की पिन है क्लॉक की और ये सारी लाइनों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने रीडिंग बताया था आपको, मीसो मोसी CS और CLK, मीसो मोसी CS और CLK देख सकते हैं चारों, यहाँ पे कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा हुआ है यहाँ पे टच के लिए और सीधा आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी कोई कॉम्पोनेंट नहीं लगा है और यहाँ पे ये सीधा और सीधा ये जा रहा है आपके IC पे, मतलब CPU पे जा रहा है गाइस। तो ये बेसिकली अगर आपका यहाँ पे टच वर्क नहीं करता है तो आपको यहाँ पे सप्लाई चेक करनी है, नहीं तो गाइस आपको CPU रिबॉल करना पड़ेगा। अगर आपको CPU रिबॉल ही करना पड़ेगा उसके बाद नहीं आता है तो आप यहाँ से और यहाँ तक गाइस आप यहाँ पे इस TP पे पैड से और यहाँ तक कि आप कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, अगर आपकी कंटिन्यूटी आ रही है, नहीं आ रही तो आप वहाँ पे जंपर मार सकते हैं, अगर आपकी कोई रीडिंग नहीं आ रही तो सीधा आप यहाँ पे जंपर मार सकते हैं गाइस, तो ये आपका टच का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटी नहीं लगा है, आपको यहाँ पे CPU भी काम करना पड़ेगा, पर CPU से लेकर के टिप्स तक हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चाहिए, अगर आपका कंटिन्यूटी आता है नहीं आता है तो आप वहाँ पे जंपर मारेंगे और आपका टच 100% वर्क हो जाएगा गाइज।
अब हम आते हैं आपके लाइट सेक्शन में, और जो हमारा ये VIO का लाइन होती है वो PMU मतलब पावर आईसी से आती है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं 37 नंबर पिन। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर की ये पिन है, ये हमारी VIO की लाइन है जिसमें हमारा 1.8 वोल्टेज आएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, तो हमारे रिसेट और इंटरप्टेड पे भी हमारा वोल्टेज 1.8 आ जाएगा, देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज। और इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ है, यही दो हमारे कॉम्पोनेंट है और एक सीरीज में कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, सीरीज में एक रजिस्टर लगा है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाएगी तो इस रजिस्टर को आप चेक कर सकते हैं कि ओपन तो नहीं हो गया गाइज। अब ऊपर आते हैं उसके बाद और सीधा आप देख सकते हैं गाइज, ये सीधा और सीधा हमारा यहाँ पे पावर आईसी पे जा रहा है गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर आईसी पे जा रहा है, आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर हमारा 1.8 नहीं आता है तो सीधा आपको पावर आईसी पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे टच को क्लोज कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं गाइज। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो बेसिकली आई होप ये टच का आपको सेक्शन समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या चीज करनी है। मैंने यहाँ पे रीडिंग नोट करा दी है हर एक स्टेप बाय स्टेप की, आपको कौन सी लाइन कहाँ पे होती है, कहाँ से आ रही है, आई होप वोल्टेज आपका पावर आईसी से आएगा। तो आई होप जो मैंने बनाया है आई होप अच्छा लगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे लाइट सेक्शन में। तो अगर रेडमी 9 है आपके पास, लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम है गाइस, तब आपको सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी है, 11 नंबर की पिन, 17 नंबर पिन, 18 और 20। जो 20 नंबर की पिन है ये हमारी LED एनोड की लाइन है जिसमें 550 रीडिंग आना चाहिए। ये हमारी LCD कैथोड 1 की लाइन है जिसमें 669 रीडिंग आना चाहिए। ये LCD कैथोड 2 की लाइन है जो कि 669 इसमें भी आना चाहिए। और ये CABC की लाइन है, ये हमारी ट्रैक सही होनी चाहिए, मतलब हमारी जो IC लगी है इसमें Redmi 9 में जो IC लगी है यहाँ पे बोराबॉल की IC लगी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस बोराबॉल की IC लगी है। अब इस IC के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, इसके बाद क्या क्या करना है सोल्यूशन कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है नहीं आती, सबसे पहले आपको ट्रैक चेक करना है कि ट्रैक हमारा सही है कि नहीं। सबसे पहले कभी भी आप ट्रैक की कंडीशन को चेक करेंगे कि उसमें रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद हम IC में आते हैं, क्योंकि IC से ट्रैक तक की कंडीशन लाइन हमारी सप्लाई ओके होनी चाहिए, हमारी सप्लाई हमारी ओके होनी चाहिए गाइस। तो चलिए मैं IC में आ जाता हूँ, ये IC आपको दिखा दूंगा कहाँ पे लगा है और इसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले अगर हम बात करें D2 की लाइन है, जो कि हमारी D2, ये हमारा A1 B1 B2 C1 ये हमारी IC है। यहाँ पे नोसकट है जैसा कि आप देख सकते हो A1, तो A1 की लाइन हमारी है सर CABC की लाइन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपकी सप्लाई ओके होनी चाहिए। उसके बाद हम करें B1 की बात करें, तो B1 हमारी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथोड 2 की लाइन, C1 जो हमारी है वो है हमारी कैथोड 1 की लाइन गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमारा जो D2 है वो है हमारा एनोड की लाइन, जो हमारा D2 निकल रहा है। ये सारा चीज आपको यहाँ तक सप्लाई ओके होना चाहिए। चलिए मैं आपको बोर्ड के थ्रू दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट लगा है और ये लाइनें कहाँ से आती है। दूसरी चीज आपको क्या चेक करना है, C2 C3 हमारा ये ग्राउंड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा B3 है इसमें हमारा EN है जो कि 4 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो 4 वोल्ट आपका बेसिकली यहाँ मिलना चाहिए और यहाँ पे भी मिलना चाहिए गाइस। चलिए फटाफट हम बोर्डियो में आते हैं, इस बोर्ड में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस मैंने आपको बताया था ये 20 और ये हमारी लाइनें हैं, इस लाइनों में आपको यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेनी है गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो। तो सर सबसे पहले आपको एनोड की लाइन को चेक करना है, एनोड की लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पैलर में कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, उसके बाद हमारा यहाँ पे नहीं है। मैंने यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई दी है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा CPU के पास ये हमारा लाइट सेक्शन लगा हुआ है, 12 वोल्ट की IC लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं सीरीज में हमारा यहाँ पे कॉम्पोनेंट लगा हुआ है, और ये यहाँ पे एक हमारा उसके बाद यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जो कि आप जान सकते हैं कि आउटपुट का हमारा डायोड है। इस डायोड से हमारा एक कैपेसिटर, ये हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर है जैसा कि देख सकते हैं आउटपुट का ये हमारा, और एक हमारा यहाँ पे फिर से पैलर कॉम्पोनेंट होते हुए ये हमारा जो IC मैंने आपको दिखा दिया था गाइस, A1 B1 C1 D1 और D2 ये हमने आपको दिखाया हुआ था। ये A1 आपका यहाँ पे है गाइस, तो ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल कर दिया था, A1 A2 और ये देख सकते हैं D2 गाइस, तो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये हमारी कैथोड की लाइन है, तो कैथोड की लाइन हमारे यहाँ पे बेसिकली ओके होनी चाहिए और यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर आप बैटरी इन कर सकते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और कनेक्टर पे हमारा 4 वोल्ट मिलना चाहिए गाइस, जैसे आप बैटरी को लगा देते हो। अगर ट्रैक हमारी खराब होगी, अगर हमारा कोई भी कंप्लेंट यहाँ पे ओपन होगा तो हमारे यहाँ पे ट्रैक हमारे यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं बनाएगा। अगर ये ट्रैक भी शॉर्ट होगी तो यहाँ पे जितने भी पहला कंप्लेंट लगे हैं आपको यहाँ पे चेक करना है 1 बाय 1। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस हमारी ये कैथोड 1 और कैथोड 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सीरीज में कंपोनेंट, जैसा कि आप देख सकते हो सीरीज में ये और एक सीरीज में ये, तो ये आप सप्लाईयों को चेक कर सकते हैं। अगर ये कंपोनेंट भी ओपन हो जाएंगे तो हमारी कैथोड की लाइन ओपन हो जाएगी गाइस। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी सप्लाई वही हमारी 12 वोल्ट के IC से आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हो कैथोड 1 कैथोड 2, और ये हमारा आ रहा है B1 और C1 से आ रहा है गाइस, उसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है, सीधा और सीधा ये IC से आ रहा है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा आ रहा है
तो ये हमारा कैथोड की लाइन हो गई गाइस। उसके बाद हमें सीएबीसी की लाइन भी चेक कर लेनी है। तो सीएबीसी की लाइन हमने दिखाया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं सीएबीसी की लाइन यहाँ पे हमारा कॉम्पोनेंट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं सीएबीसी की लाइन ये हमारी, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक टीपी डला हुआ है। टीपी के बाद ये हमारा एक सीरीज में कॉम्पोनेंट लगा हुआ है और ये सीधा सीधा आईसी पे जा रहा है गाइस, ए1 पे जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो सीधा सीधा ए1 में जा रहा है। तो अगर आपको आईसी में सबसे पहले क्या चेक करना है, 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे आपको ईएन चेक करना है कि हमारा ईएन मिलना है कि नहीं मिलना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ग्राफ में कि देख सकते हैं 4 वोल्ट हमारा नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे 4 वोल्ट दे सकते हैं ईएन की लाइन में। बाकी ये हमारी ये एसडब्ल्यू की लाइन है, जो हमारी डी3 है, ये हमारा एसडब्ल्यू स्विचिंग की लाइन है। और ये हमारा ईएन, ये हमारा मेन वोल्टेज है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये हमारा एसडीएससीएल की लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हो बी1 ए2, ये हमारा एसडीएससीएल का लाइन है जो कि सीपीयू से आता है। तो ये हमारे सिग्नल की लाइन होती है। और ये हमारा ईएन, ईएन भी हमारा सीपीयू से आता है गाइस। और इनपुट हमारा ये वीपीएच या VS/BS से हमारा ये आ जाता है। तो ये इतना डीप नॉलेज आपको मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है गाइस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इतना नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है। तो ये जो हमारी सप्लाई है बी1 बी2, ये हमारी SDSL की लाइन है जो CPU से आती है, ये हमारा 1.8। तो गाइस अगर ये हमारा इतना इनपुट वोल्टेज आ रहा है, EN आ रहा है गाइस, तो आपको सीधा और सीधा IC को चेंज करना है। नहीं तो गाइस लाइट सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइट सेक्शन में अगर कभी भी आपके पास आया तो गाइस मैं आपको डायरेक्ट इनलेट सोल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले अपना बूस्ट कॉइल और ये डायोड और ये कैपेसिटर को चेंज करिए। ये तीन चीज चेक करने के बाद भी आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं बनता है, तो सीधा और सीधा हमें IC को चेंज करना है गाइस। तो यही था इसका ओवरऑल सोल्यूशन, मैंने पूरे ट्रैक के साथ और सबको साथ बताया आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।